पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधी हर दिन पुलिस को चैलेंज करते हुए वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने में विफल साबित हो रही है। ताजा मामला राजधानी पटना की बेली रोड का है, जहां बुधवार की रात दवा व्यवसायी वीरेंद्र यादव की हत्या कर दी गई, जिसके बाद IGIBS गेट के सामने सड़क जाम कर लोगों ने आगजनी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान CM नीतीश और शास्त्री नगर थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों ने थाना प्रभारी को सस्पेंड करने और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इसी पे और चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, देनदहारी इस तरह की हत्या के वारदात को अंजाम देना, क्या लगता है पटना में जिस तरह से अपराधी तांडव मचा रहे हैं, आखिर इसका हश्र क्या होगा? इस मामले में क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है और इस घटना को लेकर क्या पूरी जानकारी मिल पाई है अभी तक अपडेट? ये रात की घटना है कि एक दवा व्यवसायी है, उनको गोली मार दी गई है। उसको लेकर आज परिजन IGIBS गेट के सामने उनके लाश को रखकर दर्शन करने लगे और इस तरीके से नारे लगाने लगे और कहने लगे कि जितने जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए और सरकार के खिलाफ और जो थाना प्रभारी है वहाँ के, तो उनके खिलाफ भी नारे लगाए गए और कहा कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं बिहार में और मौत की घटनाएं जिस तरीके से मर्डर हो रहे हैं उसको लेकर काफी लोगों में आक्रोश है। आप देख सकते तस्वीरों में भी कि आगे आगजनी भी की गई, वहाँ प्रदर्शन भी किया गया परिजनों के द्वारा। उनका बुरा हाल है। राजीव, इस घटना के बाद लोग काफी आक्रोशित है, शास्त्री नगर थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग भी की जा रही है। इस मामले में किस तरह का एंगल देखा जा रहा है, क्या हत्या के कारणों का कुछ पता चल पाया अभी तक? देखिए, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन वहाँ जो लोग है उनके परिजन वहाँ थे, उनकी पत्नी है, उनके मतलब जो भी रिलेटिव है, उनका मांग ये है कि थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं हो जानी है शहर में, वो भी इतने व्यस्त इलाके राजा बाजार और आपके दिल्ली रोड से जो है, ऐसी घटनाएं हो जानी है कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है कि कानून व्यवस्था पर घटना बताती है और इसी को लेकर परिजन भी बहुत गुस्से में है। किसी एक मर्डर हो जाना ये बहुत बड़ी बात है और इसी को लेकर जितने भी वहाँ लोग हैं और काफी गुस्से में थे। राजीव, क्या शास्त्री नगर थाना प्रभारी से बात हो पाई है, जिस तरह से लोग उन्हें सस्पेंस करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो घटनाएं हुई है वाकई में ये दिल दहला देने वाली घटना है, क्या लगता है प्रशासन इस मामले में किस एंगल देख रही है? देखिए, अभी प्रशासन का कुछ भी कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन प्रशासन जांच कर रही है। उनका ये कहना है कोई भी कागज बोलने के लिए अभी फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन ये है कि प्रशासन जांच में जुट गई है और जांच की जा रही है कि क्या एंगल है, लेकिन ऐसे सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा था कि मांगने कैसे था उसी को लेकर इस क्रम में ये मदद हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए।